राइट वे इंस्टीट्यूट भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एजुकेशन हब बनता जा रहा है, जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी दिलाई जा रही है। पैरामेडिकल कोर्सेज के साथ साथ आपको भिवंडी के टॉप हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका भी दिया जाएगा, जहां आपको रियल टाइम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। इंस्टीट्यूट के जरिए पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे नर्सिंग, ANM, GNM, MLT, DMLT, रेडियोलॉजी, डायलिसिस, OT टेक्निक्स और गायनेकोलॉजिस्ट असिस्टेंट 50 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टरेट कोर्सेज जैसे MBBS, BUMS, BHMS, BDS के लिए भी एडमिशन्स कंसल्ट किए जाते हैं। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से राब्ता करें। नवी मुंबई के खारघर में एक ज्वेलरी शॉप में 3 नकाबपोश घुसकर हवाई फायरिंग शुरू की और 11 लाख रुपयों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। ये इंसिडेंट संडे की रात 10 बजे हुआ, जब बाइक पर सवार 3 आरोपी शॉप में दाखिल हुए और इस घटना को अंजाम दिया। मामले की मजीद जांच की जा रही है। धारावी में बीती रात 3 से 4 बजे के करीब गोली चलाई गई, जो कि वहां मौजूद एक सोप फैक्ट्री के शटर में लगी, जिस वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की मजीद जानकारी हासिल नहीं हो सकी है, लेकिन इस मामले में भी जांच की जा रही है। पूर्णा के अरिहंत कंपाउंड में एक शख्स के स्कूटर से नामालूम लोगों ने 1,20,000 रुपयों की गोल्ड ज्वेलरी चुरा ली। बताया गया कि इस चोरी को दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के दरमियान अंजाम दिया गया, जिससे आप चोरों के बेखौफ अंदाज को समझ सकते हैं। भिवंडी तालुका के ओवली गांव में एक ट्रक पलटने की घटना घटी है। हालांकि गांव में बड़ी वाहनों का आना मना है और ये ट्रक यहां कैसे गई, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रक के इस तरह पलटने से रास्ता बंद हो गया और गांव वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जान हानि नहीं हुई। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की तरफ से आपला दवाखाना की शुरुआत की गई है, जहां मुफ्त में मरीजों की जांच और उनका इलाज किया जाएगा। ये सुविधा शहर के कुछ इलाकों में की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही मजीद इलाकों में भी इसे फैलाया जाएगा। भिवंडी के कालहेर में 5 इमारतों को गिराने का ऑर्डर हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। गैर कानूनी तौर पर बनाई गई इन 5 बिल्डिंग्स को गिराने का ऑर्डर देते हुए इनमें घर खरीदने वालों को मुआवजा देने की बात कही गई है। साथ ही कोर्ट ने घर खरीदने वालों से कहा कि वो बिल्डर्स पर केस दर्ज कर अपनी रकम वापस भी ले सकते हैं। इस फैसले के बाद अवैध बिल्डिंग्स बनाने वाले बिल्डर्स में हलचल देखी जा रही है। घोड़बंदर रोड पर आज एक ट्रक पलटा हुआ नजर आया। हादसे में किसी जान हानि की खबर सामने नहीं आई है और ना ही अब तक हादसे का कारण सामने आया है, लेकिन दिन बदिन इस तरह बड़ी गाड़ियों के पलटने में इजाफा हो रहा है, जो एक खतरे का संकेत है, क्योंकि इस तरह बड़ी जान हानि भी हो सकती है, जिसे रोकने के लिए इंतजाम करने चाहिए। भिवंडी में अंजूर फाटा रोड पर RTO अधिकारी ट्रैफिक कंट्रोल में पूरी तरह नाकाम नजर आ रहे हैं। वाहन चालकों का कहना है कि यहां पर पूरा रास्ता 2-वे की जगह 1-वे में तब्दील हो गया है, जिस वजह से भारी ट्रैफिक जाम देखा जाता है, लेकिन ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा किसी तरह इसे रोकने की कोशिश नहीं की जा रही। पालघर से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसने 20 से भी ज्यादा महिलाओं से शादी की और उनके कीमती सामान लूट लिए। एक महिला की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो मैट्रिमोनियल साइट पर महिलाओं को फंसा कर शादी करता और उनके कीमती सामान चोरी कर लिया करता। औरंगाबाद में गैरत के नाम पर 2 लोगों ने अपने दामाद का बेरहमी से कत्ल कर दिया। बताया गया कि पीड़ित और उसकी प्रेमिका ने भागकर शादी की थी, जिस वजह से लड़की के पिता और भाई ने पीड़ित के घर जाकर उसे बहाने से बाहर बुलाया और चाकू और तलवार की मदद से उसका कत्ल कर फरार हो गया। पुलिस आरोपियों को ढूंढने में जुटी है।